हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और हम लोग लास्ट क्लास में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का बात किए थे, उसका थ्योरी थोड़ा सा समझाए थे, उसका कॉन्सेप्ट समझाए थे और क्या क्या अदर सोर्स में आ सकता है। उसका चार्ट भी हम लास्ट वीडियो में हम अपलोड कर दिए थे एंड उसका जितना भी एग्जेम्पशंस कहाँ पर उसका इनकम छूट मिलेगा सब कुछ हम दे दिए थे, ठीक है ना। अब बात ये है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिविजन करेंगे और फिर आज हम लोग उसके ऊपर साम्स भी करेंगे। सो आदर सोर्स का मतलब क्या बोले थे? आदर सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग को फोकट में मिल रहा है। यानी कि फोकट में मिलने का मतलब ये होता है कि यहाँ ऐसा नहीं कि तुम घर बैठे हो उसको तुमको मिल जा रहा है। हाँ, ऑब्वियसली वहाँ पर कहीं पे तुमने इन्वेस्ट किए होगे, कहीं से तुमने किसी को तुमने हॉर्स रेस किए, किसी के क्रॉसवर्ड पजल खेले, कार्ड गेम खेले, तो इसमें तुम लोग का जो भी इनकम होता है, लॉटरी खेले, ये सब जो इनकम होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फोकट का मतलब यहाँ पर कि तुमको तुम्हारा जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल, जो हम लोग सैलरी मिलता है, सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। तो वो पूरा 8 घंटा काम करने के बाद उसको सैलरी मिल रहा है हर मंथ में, ऑब्वियसली हर डे में नहीं। तो यहाँ पर बात ये है कि तुम घर पे बैठ के भी तुम इनकम कर सकते हो, मगर उसके लिए भी तुमको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेहनत करना पड़ेगा। जो भारी मेहनत होता है वो भारी मेहनत यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि फैमिली पेंशन में भी हम बात किए थे कि फैमिली पेंशन किसको मिलता है, कि अगर हस्बैंड के वाइफ कोई अगर एम्प्लॉई है और वो उसका डेथ हो जाता है तो उसके बिहाफ में उसको अपोजिट पर्सन को मिलेगा। यानी कि हस्बैंड अगर मर गया तो हस्बैंड के हिसाब से, हस्बैंड के बिहाफ में उसको किसको मिलेगा? वाइफ को। यानी कि वाइफ के लिए फैमिली पेंशन अदर सोर्स इनकम माना जाएगा, क्योंकि वाइफ मेन इनकम नहीं कर रहा, वाइफ उसको घर बैठे बैठे मिल रहा है और काम कौन किया था? हस्बैंड किया था। उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फैमिली पेंशन का बात था। और फैमिली पेंशन में भी एक्सेंप्शन है, सेक्शन 57 रोमन 2 ए में, उसमें क्या बोला था कि 15,000 मैक्सिमम लिमिट है और 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन जितना भी रिसीव करे उसका दोनों में से व्हिच एवर इज लोअर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ फैमिली पेंशन। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में कोई एक्सपेंस किया है तो वहां पर वो डिसअलाउड है, एक्सपेंस को लेस नहीं होगा, मगर विनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस अगर होगा तो उसमें एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम बोले थे कि मेंटेनेंस एंड जो विनिंग है, मेंटेनेंस का मतलब होता है कि तुम्हारा अपना हॉर्स है उसको तुम खिलाते पिलाते हो, उसको पूरा साल भर अपना मतलब तबेले में रखते हो, उसका खर्चा, उसके पीछे भी खर्चा होता है, उसको हॉर्स रेस में दौड़ाते भी हो। और उससे अगर तुम्हारा इनकम हुआ है तो ऑब्वियस है कि साल में जो तुम्हारा खर्चा होता है उसके पीछे, मतलब उसके घोड़ा के पीछे, तो ऑब्वियसली वो लेस करना पड़ता है। मगर विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अगर डायरेक्ट ही है तो यानी कि तुम्हारे पास अब तुम्हारा कोई अपना घोड़ा नहीं है, तुमने दूसरे घोड़े पे तुमने वो पैसा लगाया, ऑब्वियस है कि उसमें अगर तुम कोई खर्चा कर लो तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड होगा। सबलेटिंग रेंट में भी हम बात किए थे कि सबलेटिंग रेंट मतलब क्या बोले थे कि अपना घर दूसरे को हम किराए पे दिया, मान लो कि हम ए है, हम बी को घर रेंटेड पे दिया, हम बहुत कम ही आते हैं घर पे, पैसा हमको ऑनलाइन वो ट्रांसफर कर देता है, मेरा रेंट का जो इनकम होता है। मगर बी ने क्या कर रहा है, बी जब जब नहीं रहता है तो वो सी को, उसका एक दोस्त है, उसी को घर देके जाता है और सी से भी कुछ कलेक्शंस करता है वो एज ए रेंट। तो बी के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रेंट इनकम नहीं, उसको बोला जाएगा सब लेटिंग रेंट, ठीक है। वैसे भी बी का इनकम हो रहा है मगर वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसका मालिक नहीं है वो, क्योंकि मालिक हम है। सो ऑब्वियस है कि मेरे हाथ में जो इनकम हो रहा है वो इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और बी के हाथ में जो इनकम हो रहा है वो उसका अदर सोर्स है, क्योंकि वो घर बैठे इनकम कर रहा है, ठीक है, कोई मेहनत नहीं करना। सो ऐसा भी बहुत सारा इनकम आया था, जैसे कि एग्जामिनर फीस एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस एक्सपेंस, ये सब का जो भी खर्चा होता है तो वो अलाउबल है, वो लेस किया जा सकता है। अदरवाइज एक्सपेंस नहीं किया है तो कोई बात नहीं, पूरा पूरी इनकम को दो। लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब इनकम में क्या होता है कि 30% टीडीएस डायरेक्टली काट लिया जाता है, 70% हमको रिसिप्ट होता है, तो हमको हमेशा ग्रॉसअप यानी कि ग्रॉस अमाउंट में कन्वर्शन करना पड़ता है 100/70 करके। ओके ना, और कोई भी टाइप का इंटरेस्ट हो, बैंक इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, फिक्स डिपोजिट इंटरेस्ट, एनएससी, एनसीसी,
कहीं पे भी अगर हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं से भी, तो वो सब मेरा आदर्श कोष में जाएगा। मगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में क्या बोले थे कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो वो 3,500 तक उसको छूट मिलेगा, यानी कि अगर कोई 5,000 इंटरेस्ट रिसीव करता है तो उसका 3,500 तक छूट मिलेगा, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस नहीं सॉरी इनकम टैक्स नहीं रहेगा, और बाकी 1,500 के ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसका ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 तक उसको छूट मिलेगा, यानी कि उसको अगर 10,000 मिल रहा है तो 7,000 तक उसको नो टैक्सेशन, 3,000 रेज द पोर्शन ऑफ द 3,000 उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आज हम लोग इसका हम जस्ट रिविजन करा दिए। डिविडेंड में भी एक बात था, डिविडेंड में हम लोग का 3 बात था। एक था अगर हम लोग इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी में अगर पैसा हमने लगाया, शेयर्स लगाए, उससे अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वो 1034 में हम लोग को छूट मिलेगा। अगर 10 लाख से ऊपर जा रहा है किसी का डिविडेंड, 10 लाख से ऊपर का मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि उसका ह्यूज 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 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 10 लाख सॉरी 10,000 बोल रहा है सॉरी 10 लाख अगर डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो सोच रहे हो कि उसका शेयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियस है कि वो टैक्सेबल मतलब टैक्स देने के एबिलिटी है, तो उसको वो छूट नहीं दिया जाएगा। और 10 लाख के ऊपर अगर कोई डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो उसको टैक्स दिया जाएगा सेक्शन 115 बीबीडी में बीबीडीए। ओके नाउ यहाँ पर बात ये है कि अगर फॉरेन कंपनी में अगर सर हम लोग डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उससे अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो नो टैक्स छूट, यानी कि फुल्ली टैक्सेबल, नो एग्जेंप्शन। अगर सर हम लोग यूटीआई के US 64 बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट किए तो हाँ भाई तुमको 1035 में छूट मिलेगा। ओके सर समझ के। फिर था फिर और क्या था डिविडेंड के बाद, कोई एग्रीकल्चर इनकम अगर कर रहा है, अगर वो इंडियन सिचुएटेड है, अगर वो लैंड इंडियन सिचुएटेड है तो उसके ऊपर कोई छूट कोई टैक्स नहीं आएगा, फुल्ली छूट मिलेगा उसको अंडर सेक्शन 101 में। और अगर सर इंडियन कंपनी इंडिया छोड़ के अगर कोई देश में होगा जैसे कि नेपाल भूटान बांग्लादेश आपका पाकिस्तान कोई भी दूसरा कोई भी कंट्री हो सकता है तो उसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है तो ये सब बात हम लोग बात किए थे और अगले दिन आज इसके ऊपर हम लोग एक सारांश बनाएंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो from the following information relating to the assessment year 2019 and 20 ये assessment year नहीं होगा, ये actually last year का date दिया है, मगर हम लोग का assessment year क्या होगा 2020 and 2021। computations of income from other source, सबसे पहले family pensions, हाँ सर other source में आ सकता है। अच्छा कुछ ऐसा भी income दे सकता है कि जो other source में नहीं आ सकता, मगर गूगली के लिए दे सकता है, तो वो सब इनकम नहीं आएगा, वो तुमको नोट्स में दे देना पड़ेगा कि ये इनकम उस हेड में जाएगा ये इनकम। जैसे कि मान लो कि इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर कोई एम्प्लॉई इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहा है तो वो सैलरी के हेड में जाएगा ना, हाउस पॉवर्टी सैलरी के हेड में जाएगा, मगर वैकेंट लैंड अदर सोर्स में आएगा, सबलेटिंग रेंट अदर सोर्स में आएगा, तो ऐसा बात है। ठीक है ओके। डिविडेंड रिसीव्ड इंडियन कंपनी आएगा मगर ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। रेमुनरेशंस फॉर एग्जामिनर सर आता है, एक्सपेंस भी लेस होता है सर, याद हो गया है। अक्रूड इंटरेस्ट एनएससी 12 इशू 2000 ऑब्वियसली ये भी आएगा। ओके सर चलो तो फटाफट बना ले। और छोटा सा सवाल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, ज़्यादा बड़ा मैं नहीं देता, ऊपर का हेडिंग पढ़ लो एक बार, कॉम्प्यूटेशन ऑफ मिस्टर, कोई नाम नहीं दिया था इसलिए मिस्टर डॉट डॉट डॉट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर डॉट 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 ए रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 20 प्रीवियस ईयर सॉरी प्रीवियस ईयर हमने गलती लिखा, प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। ठीक है ना, और असेसमेंट ईयर है हम लोग का 2021। लेट्स स्टार्ट। सो फैमिली पेंशंस आएगा, यहाँ पर लिखोगे फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन बोल के यहाँ पर 3,500 × 12, क्योंकि ये मंथली होता है, ये कभी भी एक साथ नहीं मिलता है, तो 3,500 × 12 42,000, यहाँ पर लिखोगे 42,000, यहाँ पर नहीं क्योंकि यहाँ से कुछ एग्जेंप्शन होता है, लेस एग्जेंप्शन
exemptions under section 57 Roman 2 A. सेक्शन गलत मत देना और exemptions का और deductions का सेक्शन देना ही पड़ेगा, ये लास्ट में भी बोले थे। यहाँ पर दो बात होता है, पहला बात मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम 15,000, तो यहाँ पर लिखो 15,000 एंड बी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगा कि जितना हमने रिसीव किया उसका 1/3, इसका 1/3, ठीक है, 33,000 1/3 14,000, इसका आ रहा है 14,000। Now whichever is lower 14,000 of course, तो 14,000 less होके बाहर चल जाएगा 28,000, तो 28,000 के ऊपर tax को देना पड़ेगा, क्या उसको wife को देना पड़ेगा जो भी receive कर रहा है, ठीक है, 42,000 के ऊपर नहीं। दूसरा क्या था, dividend from Indian company, dividend from इंडियन कंपनी ब्रैकेट में फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034, ओके, बोलने के बाद नील, ऐसा नहीं कि ये नील होगा तो ये लिखेंगे नहीं, लिखना पड़ेगा, लिख के तुमको एग्जेम्प्शंस का सेक्शन देके नील देना पड़ेगा, आई बात समझ में, ओके सर। Remunerations of examiner, remunerations मतलब होता है fees और salary, remunerations for examiner, कितना था examiner, 5,000, 3,000, उसके बाद है accrued interest on NSC, accrued interest on NSC, NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और NSSP होता है तो नेशनल सेविंग स्कीम, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म के हिसाब से अलग अलग, थोड़ा बहुत रूल्स चेंज है, तो ये भी आएगा ये 2000। और हम पहले भी बोले थे कि कोई भी टाइप का इंटरेस्ट, हमने इंडिविजुअल अलग अलग करके नहीं दिखा रहा था कि ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आल्सो, ओके, अब इसको ऐड कर दो 28,000 and 23,000, तो ये हो गया 23,000, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कंप्लीट, ओके, नेक्स्ट सांस, लेट्स स्टार्ट, सो 7 नंबर सवाल प्रॉब्लम एंड 2015 लास्ट सांस जो था वो था 162 पेज का 6 नंबर, ठीक है, ओके, क्या बोला मिस्टर मिठू मुखर्जी फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल ईयर 2019, ओके, सो हेडिंग एक ही होगा, टैक्स में अच्छा बात क्या है कि हेडिंग सेम ही होता है, मगर हेडिंग तुमको प्रॉपरली देना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर मिठू रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2020 एंड रिलेटिंग 2021 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920, ओके, सबसे पहले डायरेक्टर फीस सर आएगा, डायरेक्टर्स फीस fully taxable 22,000, interest on post office saving bank deposit exemption से 3,500 तक, तो यहाँ पर individual हो क्या joint कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी उसके income देखो 700 है, तो obvious है कि ये tax छूट मिलेगा उसको, interest on post office saving account exempted maximum rupees 3,500,
ऑब्वियस है कि ये नील होगा क्योंकि 700 रिसीव करता है ना, 3500 से ज्यादा होता तो उसको कुछ देना पड़ता टैक्स। रेंज रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग सर आएगा, तो रेंज रिसीव फ्रॉम सब लेटिंग कितना उसको मिल रहा है, 33,250। मगर उसने भी क्योंकि वो तो सबलेटिंग जिसको दिया था मेरा टेनेंट को हम दिए थे, वो फिर दूसरे को दिया, तो मेरे उसके हिसाब से मुझको जो पेमेंट कर रहा है वो उसके लिए खर्चा माना जाएगा। मुखर्जी मुखर्जी रेंट पेबल बाई मुखर्जी फॉर द अबव हाउस 19,000 और अदर एक्सपेंस कुछ किया था वो कनेक्शंस विद द हाउस अमाउंटेड ₹8,000, तो ये सब उसका लेस हो जाएगा। कोई भी खर्चा होगा तो वो लेस होकर उसका हाथ में जो इनकम हो जाएगा, तो यहाँ पर 33,250। मुखर्जी मतलब हम जो मेरा लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं वो तो मेरा इनकम, वो तो मेरा खर्चा ही होगा, तो वो सब खर्चा और फिर हम किसी को अगर भाड़े पे दिया है वही घर जो घर में हम रहते हैं, तो वहां से जो थर्ड पर्सन से मुझको जो इनकम हो रहा है वो मेरा सबलेटिंग इनकम है। ओके तो लेस हम रेंट मेरा लैंडलॉर्ड को दे रहे कितना 19,000, तो माइनस होगा। हम कुछ एक्सपेंस भी किए, लेस एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम ऐसे नहीं दिया है, अदर एक्सपेंस बोल के, तो 8,000 माइनस 33,250 माइनस 27,000, तो मेरे हाथ में 6,250 इनकम हो रहा है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी है तो ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 2,500, ये फुल्ली टैक्स लगा, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, 22,000 प्लस 6,250 प्लस 2,500, 30,750, ये भी हो गया टैक्सेबल। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। तो बस इतना ही है और एक सम्स हो गया। लेट स्टार्ट, नाइन नंबर पेज नंबर है 163, नाइन नंबर। श्री शामंत सुमंत, अच्छा सुमंत, तो यहाँ पर सुमंत फिर वही कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर सोर्स, नाइन नंबर, और ये 2018 में आया था। श्री सुमंत अन्ना फनीज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ श्री सुमंत अन्ना फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021। डायरेक्टर फीस सर आएगा, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी आएगा, मगर उसके नीचे देखो एक्सपेंस कलेक्शन डिविडेंड, हम बोले थे कि कभी कभार कलेक्शन चार्जेस ब्रोकर लोग को भी देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो खर्चा लेस नहीं होगा। फैमिली पेंशन रिसीव उसका काम होगा, और लास्ट में दिया है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फेंट ऑन द ऑकेशन ऑफ द मैरिज। देखो मैरिज के लिए मिलना कोई गड़बड़ बात तो नहीं है, गलत बात नहीं है, मगर फ्रेंड फ्रेंड हम लोग का रिलेटिव में नहीं आता, जो रिलेटिव हम बोले थे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा क्योंकि अबव 50,000 भी हो गया, ठीक है ना। और सर कितना देना पड़ेगा, 10,000 टैक्स के 50,000 के ऊपर, मतलब 60,000 के ऊपर एग्रीगेटेड अमाउंट के ऊपर होता है, ठीक है ना, ये बात कोई गलत नहीं। चलो स्टार्ट, सो डिविडेंड फॉर्म सॉरी डायरेक्टर फीस, ये
डायरेक्टर फीस, फीस 15,000, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 18,000 और नो एक्सपेंस डिडक्टेबल, एक्सपेंस डिडक्टेबल नहीं होगा। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन 1,20,000, ये ऑब्वियस है कि मंथली तो नहीं होगा, ठीक है ना, मंथली तो नहीं होगा, यानी कि मंथली कितना 10,000 करके होता है, तो 10,000 करके 12 मंथ का करके ही दे दिया, तो यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं होगा क्योंकि पर मंथ भी नहीं बोला, मंथली भी नहीं बोला। लेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 57 रोमन 2A, दो बात, पहला बात मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट हाउ मच, ऐसा लिमिट होता है 15,000, ठीक है ना, और ये सब लिमिट लिमिट तुम लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना, कोई कहीं पे भी तुम लोग को ये बोल नहीं देगा कि ये मैक्सिमम लिमिट इतना होता है उतना होता है, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन हाउ मच, जितना रिसीव किए, जितना रिसीव किए उसका 1/3, यानी कि 40,000, ठीक है, कुछ भी स्लोअर 15,000, सो 15,000 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1,05,000 टैक्स उस बंदे को क्या उसका वाइफ को देना पड़ेगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड 1,500 के ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा पूरे रिसीव फ्रॉम गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड 4 ऑकेशन, क्योंकि कौन सा पर्पस के लिए दिया था ये बोलना जरूरी है, ऑफ मैरिज, ऑफ मैरिज 60,000, ठीक है ना, और ये टोटल के ऊपर होता है, याद रखना जब भी 50,000 के अलावा हो जा रहा है तो उसमें और कोई मतलब मैक्सिमम लिमिट लिमिट कुछ नहीं है यहाँ पर कि 50,000, हाँ 50,000 तक तुमको टैक्स नहीं दिया जाएगा, अगर ये फ्रेंड भी होता, और ये फ्रेंड तो हम लोग का रिलेटिव भी नहीं है, ठीक है सब मान रहे, मगर ये 30,000 का अगर गिफ्ट करता तो नो टैक्सेबल, 50,000 करता नो टैक्सेबल, 51 करता तो 51 के ऊपर टैक्सेबल, एग्रीगेटेड अमाउंट के ऊपर, नो लिमिटेशन, ठीक है ना, तो बस उसको ऐड कर दो 1,20,000, 1,20,000, 16,000, 1,98,000, ठीक है ना, ये भी लिखना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ओके नाउ कंप्लीट। अदर सोर्स बहुत इजी होता है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और 5 मार्क्स के लिए आता भी है, ठीक है ना, सो बाय, टेक केयर, आसान कर लेना, बाय।